एक चाबी। अगर मान लो तुम घर की लेकर आए और कथा में बैठ गए, एक घर की चाबी आप लेकर आए और कथा में बैठ गए और कथा में बैठने के बाद वो चाबी कहीं गिर गई। बड़ा ध्यान देना अशोक नगर वालों, दो दिन की कथा हो रही है और ये तर्पण एक लक्ष्य को लेकर शिव महापुराण की कथा रखी है, जिससे जितने भी जीव इस कथा को श्रवण करें उनकी 71 पीढ़ी के कोई जीव अगर कहीं भोग रहे हों तो वो तर जाएं, इसलिए इस कथा को रखा गया। बहुत अपार जन समुदाय में आप लोग आए हो, बहुत दूर दूर से आए हो, पर 3 घंटा आप जब तक कथा में बैठो तब तक इस कथा में शिव महापुराण के सामने तुम्हारी दृष्टि, श्रवण शक्ति, तुम्हारा मन, चित्त, ये परमात्मा में होना चाहिए। आसपास वाला कितना भी बोले पर अपने को उधर दृष्टि नहीं करना, क्योंकि एक मिनट की भी कथा नहीं छूटना चाहिए। घंटे घंटे, चार चार पांच पांच घंटे पहले से इंतजार कर रहे हो कथा का, वो छूटना नहीं चाहिए। एक चाबी घर से लेकर आए और वो चाबी अगर कहीं गिर गई, खो गई, कहीं गुम हो जाए, या वो चाबी कहीं छूट जाए, तो परेशानी आएगी कि नहीं आएगी? अरे जम के तो बोलो, घर गए तो कितने परेशान हुए, अरे वो चाबी ना जाने कहां रह गई, मैं तो कथा में गई थी, मैं तो भगवान के भजन में गई थी, वो चाबी ना जाने कहां चली गई, वो चाबी ना जाने कहां छूट गई, कितने परेशान हो रहा, दरवाजा खुल नहीं पा रहा, दरवाजे की दूसरी चाबी ढूंढ कर लगाने का प्रयास करा तो भी वो चाबी नहीं लग पा रही, बहुत बहुत प्रयास करा, परेशान हो गए। एक चाबी तुम्हारी कथा में कहीं छूट गई तो तुम परेशान हो जाते हो, मोबाइल कहीं छूट गया तो परेशान हो जाते हो, मुंबई गए, एड्रेस रखा था, मकान नंबर भी था, कॉलोनी का भी स्मरण था, फ्लैट का भी मालूम था, और मुंबई पहुंचे और मकान नंबर, घर का नंबर, एड्रेस कहीं खो गया, छूट गया, तो परेशान हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना। चाबी छूट जाए तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, मोबाइल नंबर छूट जाए तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, घर का पता छूट जाए तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, मोबाइल कहीं छूट जाए तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद अगर भोले नाम छूट जाए, शंकर का नाम छूट जाए, तो जिंदगी नरक हो जाए, जिंदगी बेकार। मानव शरीर प्राप्त करने के बाद अगर परमात्मा का नाम छूट गया, मानव शरीर प्राप्त करने के बाद यदि भगवान का नाम छूट गया, तो ये जीवन का कोई महत्व, इस जीवन का कोई मोल तत्व नहीं। आप अगर भगवान पर विश्वास कर रहे हो, कई पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, हम उनको पढ़ा लिखा कह रहे हैं, पर उनके नाम के आगे होना चाहिए लिखे पढ़े। पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी ये नहीं कहता कि ईश्वर नहीं है, लिखा पढ़ा व्यक्ति जो होता है ना, वो कह देता है, अरे कोई भगवान है क्या, कोई ईश्वर है क्या, कोई शंकर जी पे लोटा वाल के जल चढ़ाने से कुछ होता है क्या, क्या भगवान को बेलपत्री चढ़ाने से कुछ होता है क्या, क्या भगवान को एक बेलपत्री पर शहद लगाकर चढ़ाने से कुछ होता है क्या? जो पढ़ा लिखा है, जो विद्वान है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो कभी संशय नहीं करेगा कि परमात्मा है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि पढ़ा लिखा डॉक्टर भी होता है, और डॉक्टर
जब किसी पेशेंट को, किसी मरीज को जब इलाज करता है और इलाज करते समय जब ऑपरेशन करने के लिए जाता है, ऑपरेशन कर जब वापिस आता है तब एक ही बात कहता है, अब ये अगर शरीर बेकार हो चुका है, पूरा समाप्त हो चुका है, तो वो कहता है कि अब मेरे हाथ में नहीं, अब उसके हाथ में है। मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ये जानता है कि ईश्वर है। पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ये जानता है कि ईश्वर है। और जो कहता है कि आओ, भगवान को जल चढ़ाने से कुछ होता है, सूर्य नारायण को अर्घ देने से कुछ होता है, गाय को रोटी देने से कुछ होता है, कौए को ग्रास देने से कुछ होता है, क्या पितरों को भोजन कराने से कुछ होता है, जो पढ़ा लिखा है वो ऐसी बात नहीं करेगा, वो कभी नहीं करेगा। अच्छी पढ़ाई जिसने करी है, जो विद्वान है, जो विद्वत्ता में परिपूर्ण है, वो कभी इस तरह की बात नहीं करेगा। पर जो लिखा पढ़ा होता है, जो लिखा पढ़ा हो, वो कर सकता है। वो कभी ईश्वर की निंदा ही नहीं करेगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी ईश्वर की निंदा नहीं करेगा। उसने में एक विचार बनाया, ये जरूर है पढ़ा लिखा व्यक्ति ढोंग, ढकोसला या फालतू के जो नाटक होते हैं ना, इसको पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी पसंद नहीं करता, कभी पसंद नहीं करेगा। चोंगे जिसकी आवाज आ रही है उसको सुधार लाना। पढ़ा लिखा व्यक्ति ढोंग ढकुसले को या फालतू के प्रपंच को कभी पसंद नहीं करता। पढ़ा लिखा व्यक्ति केवल इतना जानता है कि ईश्वर है, कोई सत्ता, कोई ईश्वर, कोई परमात्मा जरूर हमारे ऊपर विराजमान है। जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसकी दृष्टि में रहता है, और रहता है तो वो संभाल लेता है, ये निश्चित है। कितने सारे आए हो आप, कितने, और जितने अंदर हो उससे दुगने बाहर हो, और जितने बाहर हो उससे दुगने रोड पर हो। जरा विचार करिए, कितनी मोटरसाइकिल आई होगी, कितनी फोर व्हीलर गाड़ी आई होगी, कितने ट्रैक्टर आए होंगे, कितनी बसें आई होंगी। जरा विचार करिएगा, क्या सारी गाड़ियों में, सारी मोटरसाइकिल पर, सारी फोर व्हीलर गाड़ियों में, सारे ट्रैक्टर पर, क्या सब जो गाड़ी चला रहे हैं वो पक्के ड्राइवर हैं? पक्के ड्राइवर हैं क्या सब? नहीं, कोई कोई ने तो कहा चलो मैं ले चलता हूँ, छोड़ देता हूँ, चलो मेरे पीछे बैठो, मैं अभी छोड़ के आता हूँ। भले वो नया ड्राइवर है, उसको नहीं मालूम गाड़ी चलाना, फिर भी वो लेकर आ गया। अब किसके भरोसे पर आया? तुम ड्राइवर के भरोसे पर नहीं आयो, तुम देवाधिदेव महादेव के भरोसे पर आयो हो, क्योंकि मैं महाकथा सुनने जा रही हूँ। ये निश्चित है कि वो मुझे संभाल लेगा। जो लोग छूट गए, जो लोग रह गए, उनसे निवेदन है, 5 मिनट के लिए भी कथा के पंडाल में जाना, और इस भूमि की रज को, कंकर और शंकर की इस रज को अपने शरीर पर एक बार जरूर लगाना, तो ऐसा महसूस करोगे कि मैं कैलाश धाम घूम कर आया हूं, ये निश्चित है। और केवल अशोकनगर के नहीं, जो 26 तारीख से मंदसौर में 2 बजे से 5 बजे तक मंदोदरी ऋषि महापुराण की कथा होने वाली है, मेरा संपूर्ण मंदसौर के आसपास के क्षेत्र वालों से भी निवेदन है, 5 मिनट जाओ और शिव महापुराण के उस पावन प्रागण्य में, पंडाल में 5 मिनट हाजिरी, अपने जीवन का कंकर और शंकर का दर्शन अवश्य करो। आज सांसद महोदय बहुत प्रसन्नता की बात कहना चाहूंगा कि यहाँ कहीं एक भवानी प्रसाद जी आए हुए हैं, जो जोधपुर से आए हैं। उन्होंने सीहोर ऑफिस में फोन लगाया, और सीहोर ऑफिस में फोन लगाने के बाद फिर उन्होंने वापिस वहां से नंबर लेकर आशीष जी को फोन किया। आशीष जी को फोन कर उन्होंने बताया कि अशोकनगर के निवासियों को और सांसद महोदय को हमारी तरफ से गुरु जी धन्यवाद देना। 2 दिन पहले की बात है गुरुदेव, मैं शुगर का मरीज, मेरी शुगर बाबा की कृपा से अब तो ठीक हो चली, पर मैं सुबह के समय पर भूखा नहीं रह सकता था। सांसद जी उसके शब्द देखिए कितने जोरदार उसने कहा कि मैं सुबह के समय पर भूखा नहीं रह सकता था, और इतना धन भी मेरे पास में नहीं था, मैं ट्रेन से आ गया था,
बदल बदल कर यहाँ तक, वो जहां भी बैठे हो श्रवण कर। वो कहते हैं मैंने थोड़ी देर बाबा से विनती करी कि मुझे दवाई लेना है बाबा, कुछ खाने का अगर व्यवस्था हो जाए। सांसद महोदय आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। एक व्यक्ति चाय की केतली और दो टोस्ट लेकर उनके पास पहुंच गया और कहा बाबा जी ये चाय लीजिए और ये टोस्ट लीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं सांसद महोदय, बहुत बहुत साधुवाद। उसकी खुशी का मैं वर्णन नहीं कर सकता इस व्यास में। एक बात जरूर कहूंगा, जितने लोग कथा सुन रहे हैं उन सभी को, आपके नगर में अगर कथा हो ना शिव महापुराण की, और कभी आपको लगे कि इतना लोग मेला ठेला आया है, तो निवेदन है मेरा, आपके दरवाजे पर जो मांगने आएगा भिक्षुक उसको आप दोगे? वो जुए में लगा रहा है कि मदिरा में लगा रहा है कि मांसाहार में लगा रहा है ये पता नहीं, पर शिव महापुराण की कथा जो सुनने आता है, 7 दिन तक शंकर का भजन करता है, उसको अगर आपने एक बिस्कुट का पूड़ा भी दिया है ना, तो ये निश्चित है कि वो आपके खाते में लिखा। आपने जो उसको खिलाया है, जो आपने उसको दिया है, एक एक गिलास पानी भी अगर पिलाया है, सेवा करी है, तो उसका फल आपको प्राप्त जरूर होगा, ये निश्चित है। उस बुजुर्ग व्यक्ति का एक शब्द था, सांसद जी कहूंगा तो लोग कहेंगे कि गुरुजी व्यासपीठ से सांसद जी का वर्णन कर रहे हैं, पर उस बुजुर्ग अगर यहाँ बैठा होता तो मैं उसको माइक दे देता, कहीं बैठा जरूर है, उसको माइक देता बोलने के लिए। कृपा ये शंकर के दादा उसकी करुणा। मैं कभी कभी बहुत आशीष जी को भी, आशीष को भी मैं कहता रहता हूँ कि बहुत बहुत जिस यदुकुल में भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ, जिन यदुकुल में भगवान कृष्ण प्रगटे, वो यदुकुल कोई साधारण नहीं हो सकता, भगवान कृष्ण का ही एक आनंद देने वाला कुल है ये कृपा। जब लगे जीवन में दुख, चाबी छूट गई तो कितने परेशान हुए, मोबाइल छूट गया तो कितने परेशान हुए, एड्रेस छूट गया तो कितने परेशान हुए। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भगवान का नाम अगर छूट गया तो कितने परेशान हो गए, ये विचार करिएगा। कितनी योनियां काटना पड़ेगी, कितनी योनियों में जन्म लेना पड़ेगा, कितनी योनि काटने के बाद फिर वही 83,99,999 योनियां फिर काटिए, और काटने के बाद फिर मनुष्य फिर मानव। फिर मानव का शरीर प्राप्त कर प्रभु हम जरा विचार करें, हम जरा हृदय चित्त रखें स्मरण। हमें पतित से पावन सरकार करो तो गाने, अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो गाने, स्वीकार करो तो गाने, स्वीकार करो तो गाने, स्वीकार करो तो गाने, स्वीकार करो तो गाने। भगवान शिव की भक्ति करते हैं, अपने स्थान पर बैठकर भगवान शंकर के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे। आज मासिक शिवरात्रि है, महीने की शिवरात्रि और श्राद्ध पक्ष दोनों चल रहा है। दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
कल यहां से जाते समय किसी ने एक लेटर पकड़ाया, उस पत्र में एक प्रश्न लिखा था, गुरुजी आप जब भी मंत्र बुलवाते हो तो सबसे कहते हो आराम से नीचे बैठो और बैठ कर फिर मंत्र का जाप करो, तो क्या खड़े खड़े जाप करेंगे तो क्या मंत्र का फायदा नहीं मिलेगा? एक तो अशोक नगर वाले प्रश्न भी ऐसा करते हैं भारी भारी। अगर मान लो हम खड़े और खड़े होकर अगर हम जाप करें तो उसका फायदा नहीं होगा, तो जिसने प्रश्न किया था उसके लिए एक निवेदन है कि अशोक नगर में बहुत सारी पोया समोसा की होटल है, तुम जाके देखना कि समोसे तो वो ऐसे ही ट्रे में तल के डाल देता है, पर जो पोहा बनाता है ना उस पोहे को बनाकर वो एक भगोना होता है ना तवेला, उस तवेले में पानी गर्म कर उसके ऊपर पोहा रख देता है। पोहा उस तवेले के ऊपर क्यों रखता है? बोलो रे जम के बोलो जरा। पोहा गरम बना रहे, इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि पोहे को इधर उधर नहीं रखना, गरम पानी के भगोने पर रखा तो शाम तक गरम रहेगा, और बैठ कर जाप किया तो तब साधना का फल चार गुना प्राप्त हो जाता है, उसका बल तो मिलता है। अब तुम केवल समोसा होते तो तुमको ट्रे में पटक देते कि तुम जा खड़े हो खड़े, पर पोहा पानी जो गरम होता है उसके भगोने पर रखा जाता है जिससे पोहा गरम रहे शाम तक। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में आसन लगाकर बैठने का नियम है कि आसन लगाकर बैठोगे तो समझो कि ये इससे तप बल बढ़ रहा है, इससे जो प्राप्त हो रहा है उससे एक सुख का अनुभव होगा, एक आनंद का अनुभव। प्रभु का नाम ना छूटो, भगवान की भक्ति ना छूटो, आसन की कितनी महत्वता है। शिव महापुराण की कथा में लिखा है, और यदि आप स्कंद पुराण पढ़ेंगे और कुंभ पुराण पढ़ेंगे या ब्रह्म विवर्त पुराण पढ़ेंगे तो उसमें भी मिलता है कि आसन लगाकर बैठकर जाप किया जाए, पाठ किया जाए, स्मरण किया जाए, कीर्तन किया जाए, उसका फल हजारों गुना प्राप्त होता है, हजार। हम तो इस पंडाल के बाहर और जितने लोग इस पंडालों में बैठे हैं और पंडाल के बाहर जितने लोग भी खड़े भी हैं, हम तो उनसे भी कहेंगे शिव पुराण में आए हो, जहां तक बैठने की व्यवस्था हो, अगर जमीन भी मिले, क्योंकि जमीन भी शिव पुराण की साधारण नहीं, कंकर शंकर की भूमि है, जमीन भी मिले तो 5 मिनट बैठकर कथा सुनकर फिर खड़े खड़े चप्पल पहन के मत निकल जाए, 5 मिनट बैठो पर बैठो, कथा का स्मरण उसका स्मरण करना। सुधा के घर में, पितरों की धर्म पत्नी के घर में, पितरों के घर में 3 बेटियों का जन्म हो गया, मेना धन्या कला, इन तीनों को सनकादि ऋषि का श्राप लग गया कि तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगी, पृथ्वी पर जाओगी। इन्होंने संतों के चरण को पकड़ लिया, क्षमा मांग ली, तो संतों ने आशीर्वाद दे दिया कि तुम तीनों के गोद में 3 बेटियां खेलेंगी जो जगत का कल्याण, जगत का उद्धार। बहुत ध्यान देना, 21,600 श्वास में से थोड़ी बहुत श्वास ऐसी होती होगी जिसमें तुम भगवान का भजन करते, 21,600 श्वास में से आधी श्वास तो तुम्हारी सोने में निकल जाती है, 21,600 में से आधी श्वास सोने में निकल गई और कुछ श्वास बची तो अपने घर के कामकाज में निकल गई, कुछ श्वास बची तो अपने परिवार में निकल गई, कुछ श्वास बची खाने पीने में, जिंदगी जीने में निकल गई, कुछ श्वास बची, उस श्वास का सदुपयोग वही हुआ जो तुमने भगवान की भक्ति में लगाया, जो तुमने कीर्तन में लगाया। महाराज
गाय के पीछे बछड़ा चलता है, बोलो किस किसने देखा है, जम के हाथ बोलो जल्दी से, हाथ उठा के, गाय के पीछे बछड़ा चलता है ये निश्चित है। गाय के पीछे बछड़ा चलता है, पति के पीछे पत्नी चलती है, कभी कभी पत्नी के पीछे पति चलता है। और एक बात का स्मरण रखना, जो शंकर जी का भक्त होता है, भक्त के पीछे मेरा महादेव चलता है, ये निश्चित है। अगर गाय के पीछे बछड़ा चलता है, पति के पीछे पत्नी चलती है, तो भक्त के पीछे महादेव चलता, ये निश्चित है कि वो चलता है। बस केवल एक भक्त का भाव होना चाहिए कि शंकर भगवान को मैं एक लोटा जल चढ़ा रहा हूँ, शिव जी को एक लोटा जल समर्पित कर रहा हूँ, शंकर भगवान को एक बेलपत्री चढ़ा रहा हूँ, शंकर भगवान को एक चावल का दाना, उसका दिल, उसका हृदय, उसकी चित्त, उसकी वृत्ति, उसका मन शिव के प्रति जागरूक हो, दिखावे के लिए नहीं। आप दिखावे के लिए अगर भगवान को पाना चाहोगे तो भगवान कभी नहीं मिल सकता, कभी भी। आप कितना ही प्रयास कर लो, परमात्मा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर निर्मल मन सोमो ही पावा, अगर आपका मन साफ है, निर्मल है, आपके भीतर कपट नहीं, छल नहीं, बेईमानी नहीं, प्रपंच नहीं, तो भगवान मिलेगा निश्चित। उसको पाने के लिए बहुत सहज स्वभाव। संतों ने श्राप दिया, संतों के चरण पकड़ लिए, संतों ने श्राप दिया और संत के चरण पकड़े, संत के चरण पकड़े तो उन्होंने वर दे दिया कि तीन कन्या तुम्हारी, तीनों देवियों क्या एक एक कन्या। इसको कहते समाजस बनाना। जूता पहनते हो पांव में, चप्पल पहनते हो पांव में, को पांच नंबर की चप्पल जूता, किसी को सात नंबर का जूता, किसी को नौ नंबर का जूता, किसी को छह नंबर की चप्पल, किसी को पांच नंबर की चप्पल, पांच नंबर का जूता आता है। दुकान वाला जब भी देगा आपको तो जोड़ी से देगा, या तो पांच नंबर का देगा, छह नंबर का देगा, तो छह नंबर का देगा तो दोनों चप्पल छह नंबर की देगा कि पांच की छह की देगा। अरे बोलो बोलो, दोनों छह की देगा, और पांच नंबर की देगा तो दोनों पांच नंबर की देगा, चार नंबर की चप्पल देगा तो चार नंबर की दोनों देगा। और मान लो तुमने कहा साहब हमारे पांव में जूता पहनना है, और तुमने कहा कि साहब हमको जूता पहना दो, चप्पल पहना दो, और वो चप्पल लाया, और एक उसने तुमको आठ नंबर की पहना दी, और एक चप्पल उसने तुमको छह नंबर की पहना दी। अब तुम कितने किलोमीटर चल सकते हो बोलो? छह नंबर की चप्पल, आठ नंबर की चप्पल, छह नंबर का जूता, आठ नंबर का जूता, एक पांव में छह नंबर का पहन लिया, एक पांव में आठ नंबर का पहन लिया। जब दोनों के नंबर अलग अलग हैं, दोनों का नंबर मैच ही नहीं खा रहा, तो तुम दो किलोमीटर भी सही से नहीं चल सकते। शिव महापुराण की कथा कहती है कि चप्पल भी एक नंबर की होना चाहिए तो आप कई किलोमीटर तक चल सकते हो, पांव में छाला नहीं आएगा। उसी तरह घर में पति पत्नी का नंबर भी एक ही होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित होना चाहिए, तो कई किलोमीटर तक चल सकते। अब जेठानी का पावर बढ़ रहा है आठ नंबर पर, देवरानी का पावर बढ़ रहा है सात नंबर पर। अब परिवार वाले इनमें समाधान बिठा रहे, दोनों एक साथ रहना बेटा, सास आशीर्वाद दे रही दोनों साथ में रहना बेटा, ससुर आशीर्वाद दे रहे दोनों बहु में साथ में रहना बेटा, तो देखो तो करिए कैसे इनको बिठाया जाए। ये बिना अगर आठ नंबर, सात नंबर, छह नंबर, पांच नंबर बदल बदल कर जूता पहनोगे तो दो किलोमीटर नहीं चल सकते। दोनों का बराबर भाव होना चाहिए, पति जितना पत्नी के प्रति समर्पित हो, पत्नी उतनी पति के प्रति समर्पित होना चाहिए, तो कई किलोमीटर तक की यात्रा हो सकती, कई किलोमीटर। एक भाई दूसरे भाई पर जितना समर्पित है, उतना एक भाई दूसरे भाई पर समर्पित हो, कई किलोमीटर की यात्रा हो सकती है। बचपन, जवानी, अधेड़ी कितनी निकल जाएगी। और अगर समर्पण पूरा नहीं है, एक भाई ने पूरा समर्पण करा और दूसरा समर्पित होने को तैयार नहीं है, तो समझ लो एक जूता आठ नंबर का है और एक जूता छह नंबर का है, दो चार किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल पाओगे। बचपन, जवानी, अधेड़ी तक छह लोगे, ज्यादा होगा तो थोड़ा और निकाल लोगे, पर अंत
नहीं चल सकते। दोनों का लेवल बराबर होना चाहिए। परिवार में तुम्हारे जितने सदस्य रह रहे हैं, सास रह रही है, ससुर रह रहा है, बेटे रह रहे हैं, बहुएं रह रही हैं, पोता पोती नाती पंती जितने भी घर में रह रहे हैं, इन सबसे निवेदन है कि सब बराबर का समर्पण रखिए। अगर जेठानी जितना समर्पण देवरानी पर रखे, देवरानी उतना समर्पण जेठानी पर रखे, बड़ा भाई जितना रखे छोटा उतना रखे, दोनों का समर्पण बराबर चलेगा तो ये जिंदगी पार उतर जाएगी। कोई विवाद नहीं, कोई क्लेश, कोई विवाद। एक बात आपसे कहना चाहेंगे, शिव महापुराण आपको प्रॉपर्टी की वसीयत नहीं दे सकती, पर शिव महापुराण प्रॉपर्टी को बचाने के लिए नसीहत जरूर दे सकती है। ये निश्चित है, शिव महापुराण आपकी प्रॉपर्टी के लिए वसीयत नहीं दे सकती, पर शिव महापुराण आपकी प्रॉपर्टी को बचाने की नसीहत जरूर देगी कि अपनी प्रॉपर्टी को भाई भाई बहन रिश्ते नाते कुटुंब कबीले कैसे संभाल कर रखना है, हमें आपस में प्रेम की वसीयत कैसी रखना है, हमें स्नेह कैसा रखना है, हमें प्रेम कैसा रखना है। अशोक नगर वालों से एक प्रश्न पूछना है, पूछ लूं क्या? अरे बोलो तो जम के उत्तर दे दोगे? ठीक है, उत्तर देना। दो व्यक्ति पानी में डूब रहे हैं, गहरे पानी में डूब रहे हैं दो व्यक्ति। एक वो डूब रहा है जिसको तुम प्यार करते हो, और एक वो डूब रहा है जो तुम्हें प्यार करता है। तुम किसको बचा चाहते? पूछ लो पड़ोसन को, कोनी मार मार। दो व्यक्ति पानी में डूब रहे हैं, एक वो व्यक्ति जिसको तुम प्यार करते हो, और एक वो व्यक्ति जो तुम्हें प्यार करता है। दोनों में से किसको बचाओगे? क्या बोल रही हो? दोनों को, एक ही बताओ, बचाओगे किसको? क्योंकि इतना गहरा पानी, उसमें तुम्हें कूदना है और एक को ही बचा सकते हो, किसको बचाओगे? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसको आप प्यार करते हो उसको भले मत बचाना, पर जो तुम्हें चाहता हो उसको बचा लेना, तो जिंदगी अच्छी निकल जाएगी। जो तुम्हें चाहता, कारण तुम जिसको प्यार करते हो वो संसार है, इसको बचा भी लोगे तो एक दिन कह देंगे कि इसने हमारे लिए क्या करा। और जो तुम्हें प्यार करता है वो देवती देव महादेव है, जो तुम्हें अकेला छोड़ता नहीं, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता मेरा महादेव। जन्म के समय पर तुम्हारे गर्भ में भी पिंड के रूप में विराजमान था, रक्षा करी। मरने के बाद तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें शमशान में छोड़ देंगे, तब कोई नहीं रहेगा, आग लगा के सब घर पे जाके आलू की सब्जी और पूड़ी खाएंगे। जो पड़ोसियों के यहाँ से बनकर आई होगी पूड़ी सब्जी वो खा लेंगे और चाय भी पियेंगे, क्योंकि सिर दुख रहा था, रात भर से मर गया था तो रो रहे थे, टेंशन में तो साथ। शिव महापुराण की कथा कह रही है कि आप जिसको चाहते हो वो संसार है, और ईश्वर जिसको चाहता है वो आप हो। वो चाहता है कि संसार में अगर तू अटका, संसार में अगर कहीं फंस गया, कहीं परिवार में परेशानी आई, तो ईश्वर कहता है तू चिंता मत कर, मुझे याद करना, मैं पानी में कूदूंगा और तुझे उस भव सागर से बाहर निकाल दूंगा। वो चाहता है। हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए हरि भजन। आप संसार को चाहते हो पर परमात्मा आपको चाहता है, आप संसार को पकड़ना चाहते हो परमात्मा आपको पकड़ना चाहता है। क्या है शिव पुराण में?
क्या है शंकर की कथा में, क्या शिव महापुराण में है? पूरे अशोक नगर में चर्चा का विषय है कि ये शिव पुराण ऐसा है क्या जिसे देखो दो दो किलोमीटर गाड़ी रोक दी, वहां वहां से पैदल चले जा रहे अपने अपने बच्चे उनको बच्चों को साथ लेकर। ये मेरी माताओं आपको करवत निवेदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ कि आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं जो अपने बच्चों को लाकर इस भूमि को चरण पड़वाती हो, इस भूमि को छुवाती हो कि इस भूमि का चंदन जहाँ शिव महापुराण की कथा होती है। देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में अमर कथा सुनाते हुए कहा था जहाँ शंकर की कथा होगी वो भूमि कोई साधारण नहीं होगी। पार्वती जिस अमर गुफा में मैंने तुझे कथा सुनाई, शिव कथा जहाँ होगी वो अमरनाथ की गुफा के बराबर होगी। वहां बैठने वाले व्यक्ति को बैकुंठ का सुख की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मेरे कैलाश धाम पर आएगा और मेरे साथ रहेगा। साधारण नहीं हो शिव तत्व, शिव तत्व साधारण। आज कथा छठे दिन की विराम होगी, कल कथा सातवें दिन की, कल की कथा जो सातवें दिन की होगी वो दोपहर में आप कथा में सुनने के लिए बैठोगे, वो चावल के दाने फोटो के सामने या अपने पूर्वजों के नाम से आप परिंडे के पास में और उसी चावल के दानों को अपनी छत पर डाल देंगे और दिया लगाने जब कथा पूरी हो जाए 5 बजे की कथा टीवी पर मोबाइल पर सुन लो। उसके बाद में शाम के समय प्रदोष काल में कोई नदी, कोई तालाब, कोई बावड़ी, कोई कुआं जो हो, अगर बावड़ी कुआं तालाब भी नहीं हो तो तुम्हारे घर में जो मटका हो, पानी का स्थान हो, वहां पर दिया लगा देना। अगर वो भी नहीं हो तो पीपल का वृक्ष हो वहां दिया लगा देना, पर दिया घी का लंबी बाती का अवश्य लगाना। और लंबी बाती का दिया लगाने के बाद अपने पितरों से झोली पसार कर प्रणाम जरूर कर कहना बाबा अगले वर्ष मैंने सुना है कि तू पितर है और पितर अपने घर के भंडार भर कर जाते हो तो हमारे घर का भी भंडार भर कर जाना, हमारे रोग से मुक्त कर जाना, कृपा कर जाना, अपने पूर्वजों को कहकर जरूर जाना। वो देगा क्या? जितने लोग कथा सुन रहे हो अगले वर्ष अशोक नगर की कथा याद करोगे कि मेरे बाबा की मैंने विनती करी थी और दिया लगाया था तो क्या किया दिया मेरे भोले बाबा, आपको स्मरण होगा। आप ध्यान दिया जरूर करो, पूर्वजों को प्रणाम जरूर करो, उससे विनती जरूर करो, निवेदन जरूर करो। देखो परिवार में सामंजस्य बना रहे, नंबर एक होना चाहिए, सबका बराबर चलता रहे ये भाव। तो यहाँ सनकादि ऋषियों ने श्राप भी दिया, सनकादि ऋषियों ने आशीर्वाद भी दिया। तीनों कन्या रोती रोती अपनी माँ सुधा के पास पहुंच गई, अपनी माता सुधा के पास गई। यदि विश्वास भरोसा प्रबल है तो वो मिलता जरूर। सुधा के पास गई, आंख में आंसू आ गए, तीनों रोने लगी। सुधा ने पूछा, माँ ने पूछा, बेटा हुआ क्या, बेटा हुआ क्या है बोलो, तुम क्यों रो रही हो तीनों? मेरा माता और पिता से एक निवेदन है, आप अपने बच्चों के बेस्ट फ्रेंड बने, आप अपने बच्चों के अच्छे दोस्त बन बने। जिस माता पिता के बच्चों से अच्छी दोस्ती नहीं होती माता पिता की, वो बच्चे अपने माँ बाप से बहुत सारी बातें छुपा छुपा कर रखते हैं और फिर अंत बहुत बुरा हो जाता है, अंत बहुत बुरा। आप अपने बच्चों के बेस्ट फ्रेंड बनो। बच्चे का चेहरा उतरा है, तुरंत जाकर पूछ लो, बेटा क्या हुआ बाबू, हुआ क्या तेरे, क्या हो क्या रहे, क्या हो तेरा चेहरा क्यों उतरा, क्या हुआ बेटा, खुश है? बच्चों से तुरंत पूछो, बेटा क्या हुआ, इतनी प्रसन्नता क्यों है? एक दोस्त जो होता है, बच्चे जब बड़े हो जाएं तो उससे दोस्ती जैसा व्यवहार करें, वो आपको सब बता दे। और मेरा बेटियों से निवेदन है और घर के बेटों से निवेदन है, मेरा बहनों से भी निवेदन है, अगर कोई बात आपकी बुद्धि में, आपकी चित्त में, आपके मन में अगर आ रही है तो अपने घर के माता पिता से उस बात को शेयर जरूर करो, अपने माता पिता से वो बात जरूर कहो। दुख भी है ना तो माता पिता कुछ भी कर उस दुख को काटने का प्रयास करेंगे, उस दुख को काटने का प्रयास करेंगे, ये निश्चित है।
करता हूं तो आप भगवान से कहना ही नहीं चाहते, आप घर के माता पिता को कुछ बोलना ही नहीं चाहते। जब तक अपने माता पिता से नहीं कहोगे तो वो बात हल कैसे होगी? एक दोस्त की तरह। एक बहुत बड़ा वृक्ष, बहुत बड़ा वृक्ष, बड़ता पेड़, बट वृक्ष, बहुत बड़ा, उसकी लोग पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, उससे निवेदन करते हैं। बट वृक्ष की पूजन सारा गांव का लोग करता है, उसकी पूजन करते, उसको प्रणाम करते, उसको दंडवत करते, उसको नमन करते। वो बट वृक्ष की जड़ नीचे से खराब होना चालू करी, बट वृक्ष सूखने लगा, सूखने लगा तो गांव के लोग आरी लेकर, कुल्हाड़ी लेकर आ गए और उस बट वृक्ष को काटने लगे। उस बट वृक्ष के पास में एक वृक्ष और लगा था। उस वृक्ष ने बट वृक्ष से कहा कि दादा, तुम कितने पुराने वृक्ष हो, तुम्हारी पूजन होती थी, तुम्हें लोग प्रणाम करते थे, लोग तुम्हें नमन करते थे, तुम्हारी परिक्रमा करते थे, लोग तुम्हें पानी चढ़ाते थे, दूध चढ़ाते थे, और देखो संसार कितना बुरा है, तुम सूख गए, तुम्हारा काम खत्म हो गया, तो लोगों ने तुम्हें काट कर रख दिया। वो बूढ़ा बड़का पेड़, वो बूढ़ा बट वृक्ष पास में खड़े हुए वृक्ष से कहता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इन्होंने मुझे प्रणाम करा, इन्होंने मुझे जल चढ़ाया, पर आज अगर वो मुझे काट रहे हैं तो अच्छी बात है, कम से कम मेरी ये लकड़ी इनके घर में काम तो आ जाएगी और वो लकड़ी कुछ ना कुछ किसी का मकान तो बना देगी, उससे मुझे प्रसन्नता होगी, जिससे कोई उसमें रह सकेगा। अब दो चीज समझ लीजिए जरा अच्छे से, आपकी दुख की घड़ी में जैसे बड़ का पेड़ सूखा, पड़ोस के पेड़ ने उसमें आग लगाना चाहिए कि ये लोग पूजन करते थे, आराधना करते थे, अब यही लोग काट रहे हैं। जब दुख की घड़ी आती है तब कई लोग आकर आपको आग लगाने का प्रयास करेंगे, तेरे भाई ने तेरे लिए ऐसा बोल दिया, तेरे रिश्तेदार ने तेरे लिए ऐसा कह दिया, तेरे कुटुंब वाले ने तेरे लिए ऐसा कर दिया। जब दुख की घड़ी आती है, दुख की, कई बार हमने एक बात कही आज फिर कर आप लोगों को, हो सकता है कई लोगों को इस बात से बुरा भी लग जाए, पर लग जाए तो लग जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहना चाहते हैं तो बड़े दिल से कहें, आप किसी के पास गए और आपने किसी के सामने जाकर आंख में आंसू भर कर रोए, हमें एक बड़ा दुखी हूं मैं, और किसी के शरीर में ऐसे ऐसे घूम के कहीं का देवी देवता आया, और आया और तुमने उससे कहा मैं बड़ा दुखी हूं, और उसने घूम घूम कर कह दिया तेरे ही घर का है जिसने तेरे ऊपर कुछ कर रखा। अब तुम्हारा दिमाग घूमेगा, 15 दिन पहले मेरी जेठानी से लड़ाई हुई थी, वही मेरे लिए कुछ ना कुछ करा के आई होगी और उसी ने मेरा बर्बाद कर दिया। फिर तुम्हें याद आया कि मेरे मामा ससुर ने कुछ करा होगा, तुम्हें याद आया मेरी मौसी सास ने कुछ करा होगा। एक बात अपनी जिंदगी में दिमाग में अच्छे से बिठा कर रखना, संसार में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे, बुरा केवल तुम्हारा अपना कर्म कर सकता है, इसके सिवा कोई बुरा नहीं। बुरा केवल तुम्हारा कर्म कर सकता है, इसलिए बार बार कथा में कहते हैं मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। संसार में किसी की सामर्थ्यता नहीं है, कोई कहता है इसने जादू कर दिया होगा, कोई कहता है इसने टोना कर दिया होगा, कोई कहता है इसने ये कर दिया होगा, संसार में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। अगर बुरा करने वाले बैठे होते तो सबसे पहले मोदी या टाटा बिरला या अंबानी कोई निपटा देते। अगर इतनी शक्ति होती, बोलो रीजी सही है कि गलत है,
संसार में अगर बुरा करने वाले होते तो सबसे पहले ये विद्या करके इसको निपटा लो और ये विद्या करके उसको निपटा दो। संसार में कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता। शिव महापुराण की कथा, संसार में रहने वाला मेरा भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई किसी का बुरा कर दे। बुरा तो केवल उसका किया गया कर्म करता है और कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। सीता जी ने चिड़िया को कैद में रखा तो उनको कैद में रहना पड़ा। राम जी ने छुपकर बाण छोड़ा सुग्रीव को मारने के लिए, बाली को मारने के लिए। जब छुपकर छोड़ा तब उस समय पर उस बाली को मारने के लिए बाण छोड़ा तो वही बाली ने छुपकर इसको मारा। वही बाली छुपकर कृष्ण अवतार में छुपकर बाण छोड़े। कर्म का भोग भोगना है। ये बुरा भला तो जाने दो कि कौन ने बुरा करा कौन ने भला करा। हाँ एक बात जरूर है, दुनिया के लोग कितना ही कुछ कर ले आप शंकर की शरण मत छोड़ो। जब एक लोटा पानी रोज शिवजी को चढ़ाने के लिए जाओगे तो 16 साल के बाद अगर वो बच्चे दे सकता है तो क्या हमारे संकट नहीं हट सकता है? तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। शुरुआत भी मेरा शिव है और अंत भी मेरा शिव, उसके सिवा कुछ नहीं। केवल एक शंकर, केवल एक ओपनी। बच्चों से मित्रता का भाव रखो। सुधा ने पूछा क्यों रो रही हो, रोने का कारण क्या है? क्या कारण है रोने का, क्यों रो रहे हो? छोटी बेटियों की आंख में आंसू आए तो माँ उसको सहलाकर आराम से पूछे कि तुझे दिक्कत क्या है, क्या तकलीफ हो रही है बेटा? किसी ने कुछ कह दिया है क्या? किसी ने कुछ बोल दिया है क्या? क्या किसी ने कुछ कहा? क्या किसी ने कुछ बोला है? बड़ा विचित्र संसार। दशहरा आने वाला है, नवरात्र निकलेगी और दशहरा आएगा। रावण जलाते हो यहाँ पे? अरे बोलो तो जम के जलाते हो? क्या करा था उसने सीता जी का? जम के बोलो जरा। हरण करा था, केवल सीता जी का हरण करा था। तो रावण आज तक जल रहा है, आज तक। और जलने से पहले दशहरे मैदान में उसकी मुंडी ऐसी ऐसी घूमती और वो भी जम जम के हंसता है ठाका लगाकर। रावण कहता है मैं लंकेश हूं और हंसता है और हंसकर सारे संसार के लोगों को एक प्रेरणा देता है कि मैंने तो केवल सीता का स्पर्श मात्र कर उसको लाकर लंका में बिठाया था। मैंने तो उसका केवल हरण करा था तो मुझे आज तक जला रहे हो, मुझे जलाना छोड़ो। जो ये छोटी छोटी बेटियों का जीवन नष्ट कर रहे हैं और उनका साथ गलत करते करते हैं, अब उनके पुतले जलाना प्रारंभ करो। वो रावण भी करता है। 5 साल की बेटी, 4 साल की बेटी, 6 साल की बेटी, 3 साल की बेटी, 8 साल की बेटी, ये छोटी छोटी लड़कियों के साथ में जो गलत करते करते हैं, रावण की जगह मोहल्ले में इनके पुतले जलना चाहिए। दशहरे पर रावण बन। कब तक रावण जलाओगे? किस समय तक रावण चलेगा? रावण से बड़ा कृत्य करने वाले तो यहां बैठे होंगे। रावण से गलत कृत्य करने वाले इस भारत की भूमि पर ना जाने कितनी गलियों में पड़े हुए होंगे। कितने? उनको जरा ढूंढो तो निकलेंगे।
नवरात्र में केवल देवी की आराधना कर ली और बाद में छोटी सी कन्या पर या घर की बहन बेटी पर गलत दृष्टि दे दी, माता रानी कभी प्रसन्न नहीं होने वाली रे, कभी अभी जीवन में जो नारी का सम्मान नहीं कर पाया, नारी का आदर नहीं कर पाया, नारी का सत्कार नहीं कर पाया, उसकी जिंदगी में वो कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं। रावण ने सीता जी का हरण करा, ले जाकर रखा, रावण नष्ट हो गया। कौरवों ने द्रौपदी का चीर खींचा, पूरा कौरवों का वंश नष्ट हो गया। जो जिस भाव में नारी तत्व स्त्री तत्व में शंकर और शिव, शिव और शक्ति दोनों स्त्री के अंदर होती है, पहले की कथा में आपको अगर मालूम हो तो हरताली का तीज शिव महापुराण की कथा को सुनना, उसमें वर्णन करा था, केवल एक नारी ऐसी होती है जिसके अंदर आधा शिव तत्व होता है और आधा पार्वती का तत्व होता है। अर्थ नारेश्वर भगवान का पूरा भाव अगर देखना हो तो नारी में देख सकते हो। उसके जब जीवन में दुख आता है, अकेली खड़ी रहती है जूझने के लिए, अकेली, तब उसके साथ शिव होता है। पूरे परिवार पर जब बोझ आ गया, पूरा परिवार जब दुखी हो गया, सारा घर का व्यक्ति रो रहा होता है, केवल एक नारी ऐसी होती है सबको धीर बनवा देती है। चिंता मत करो, सब अपने काम में लगे, वो अंदर जाकर भोजन बना देती है, सबके लिए तैयारी कर कर रख देती है, तुम टेंशन मत लो, तुम करो, मैं हूँ, संभाल लूंगी। क्या उसको दुख नहीं है? क्या उसको तकलीफ नहीं है? क्या उसके जीवन में आंखों में आंसू नहीं है? कितना दुख झेलती है, कितना दुख। ये नवरात्रे केवल देवी की आराधना के नहीं, ये नवरात्रे नारी शक्ति के सम्मान के नवरात्रे हैं, कि हमें नारी का आदर कैसे करना, हमें नारी का सम्मान कैसे करना, हम कैसे सम्मान करें, कैसे। सुधा ने अपनी बेटियों से पूछा, तुम्हारी आंख में आंसू क्यों, क्यों रो रही हो? मैना ने कहा, कला बोली, मां हमें श्राप होता है। किसका? सनकादि ऋषि। क्या श्राप दिया? मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, तुम्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। क्यों टेंशन लेती हो? श्राप मिला है ना, चिंता नहीं करना, दुख आया है ना, कटेगा जरूर, पर हमने संत के चरण पकड़े मां और उन्होंने हमें वर दिया कि तुम्हारी गोद में तीन कन्याएं खेलेंगी जो जगत का कल्याण करेंगी। बस तो फिर अब रोना क्या, अब रोना क्या? अगर परिवार में बना सकते हो तो थोड़ा सा समाजस बनाकर चलना, जरा सी लड़ाई में मायके पहुंचकर तलाक का केस मत लगाना, बन सके तो थोड़ा समाजस बिठाना। अदालत में किसी भी जज महोदय से जाकर अदालत में, आजकल तो जज साहब के पास जाने की जरूरत नहीं, नेट पे सर्च करो, मालूम पड़ जाएगा कि अदालत में तलाक के केस कितने चल रहे हैं। आप सर्च करिए, आज के जमाने में पैसियां भी मालूम पड़ जाती है, कब की किसकी कहां है, कितने तलाक के केस, कितने ढेर तलाक के केस चल रहे। पूछा एक दो बेटियों से, हमने भी पूछा, बेटा तलाक क्यों ले रही हो? कहा गुरुजी, इनके साथ मैं रह नहीं सकती, ये तो बहुत बेकार नेचर के हैं, बहुत बेकार व्यवहार है इनका, दिन भर माता पिता का सम्मान करते हैं, मुझको पूछते तक नहीं है, मुझे ऐसे पति के साथ नहीं रहना। तो हमने उससे कहा, बेटा तू तलाक ले लेगी फिर क्या करेगी, मैं और दूसरी शादी कर लूंगी। ठीक है बेटा, और मालूम पड़े अभी तो तुझको काल भैरू मिला है और आने वाले समय में बटुक भैरू मिल गया है, तो अगर ललाट पर भगवान ने इसी से सुख लिखा होता तो सुख मिलता कि नहीं मिलता? अगर ललाट में इससे दुख लिखा है तो तू 10 शादी भी कर ले, तेरी जिंदगी में दुख ही लिखा हो तो सुखी नहीं हो सकता। जहां विवाह हुआ है वहां एडजस्ट कर कर चलने का प्रयास करिए, थोड़ा गर्म, थोड़ा नरम, थोड़ा प्रेम, थोड़ा स्नेह, थोड़ा समर्पण, थोड़ा आंख में आंसू, सब चलेगा और जिंदगी निकल जाएगी। जरा जरा सी बात में अदालत में पहुंच गए, जरा जरा सी बात में नहीं, मैं अपनी बेटी को नहीं भेज रहा, मैं तो तलाक मांगूंगा, मैं तो ये करूंगा, ले तलाक, दूसरा शादी करके भी तुम दुखी, अगर इसके साथ विवाह होने के बाद भी दुखी हो तो 50 भी कर लोगे तो भी दुख तो रहना ही है। जरा विचार करो कितना ज्ञानी थे जनक जी महाराज,
कितने ज्ञानी, उनके बराबर कोई ज्ञानी नहीं था। सुखदेव जी महाराज के गुरु थे, उनके घर में जो विद्वान विद्वान पंडित थे उनके घर में कितने बड़े बड़े गुरु जी बैठे हुए थे, जरा विचार करना। क्या उन्होंने सीता जी का स्वयंवर रखा, स्वयंवर रखने के बाद विवाह पक्का किया, विवाह करते समय सीता और राम का क्या मिलान नहीं करा होगा? शादी की तारीख नहीं देखी होगी कि इस तारीख को शादी करेंगे, दोनों सुखी रहेंगे, दोनों आनंद में रहेंगे। जनक जी ने कितना कितना बेटी का भाग्य दिखवाया होगा, कितनी पत्रिका दिखवाई होगी, कितना यश दिखवाया होगा। क्या जनक जी को यह मालूम था कि मेरी बेटी को वन वन डोलना पड़ेगा? क्या जनक जी को यह मालूम था कि मेरी बेटी गर्भ से रहेगी और उसको जंगल में छोड़ दिया जाएगा? उसको यहां तुम्हारे करीला धाम किसको मालूम था कि गर्भ से रहेगी बेटी और उसको वन में ले जाकर छोड़ दिया जाएगा? जनक जी ने अपनी बेटी को लाड़ और प्यार से पाला था, जनक जी ने अपनी बेटी को इतने स्नेह से पाला था, जनक जी ने अपनी बेटी को फूलों की तरह पाला था। क्या जनक जी भाग्य कितनी बार पूछे होंगे, पंडित जी बताओ मेरी बेटी की पत्रिका देखकर बताओ? पंडित जी ने कहा होगा बहुत बढ़िया, राशि सुख होगा, ये होगा, हाथी होगा, घोड़ा होगा, सब कुछ हुआ, सब कुछ मिला, पर ये ललाट पर जो लिखा था वो तो भोगना पड़ा, वो दर दर भटकना पड़ा, ये किस्मत में जो लिखा है वो तो भोगना। तब सीता जी विचार करी कि अब किस्मत में जो लिखा है तो वन वन तो मुझे जाना, करना क्या चाहिए? शंकर भगवान का स्मरण करो। पार्वती जी ने भी सीता जी को ज्ञान उपदेश अनसुईया जी के रूप में दिया था और सीता जी को समझा दिया था कि बस शिव भक्ति का एक मूल रखिए, दुख कटेगा और शीघ्र कटेगा, सारी समस्या का हल जम के बोलो जरा एक लोटा जल शिव को समर्पित। आप दिल से कहेंगे वो दिल से कहो, दिल से स्वधा पूछ रही, तुम रो रही हो क्यों? जो ललाट पर लिखा उसे कोई टाल नहीं सका। कई लोग कहते हैं हम नहीं जाते बद्रीनाथ, हमने पूछा क्यों? अरे गुरु जी ठंड बहुत पड़ती है, पहाड़ी रास्ता है, कुछ हो गया तो तुम्हारा पूरा परिवार गया, तुम नहीं गए? अगर वहां कुछ हो गया तो, और जिससे पूछा था वो घर में रह गए, जो गए थे वो दर्शन कर आ गए, और ये बाथरूम में स्नान करने गई और पांव फिसल गया और सीताराम हो गई। ले मां बद्रीनाथ में सोच रही थी कुछ हो गया तो, शिव महापुराण की कथा कहती है जन्म मरण परण मेरे शंकर के हाथ में है, मृत्यु किस जगह पर होगी, कहां होगी, कब होगी, कितने बजे होगी, किस घड़ी, किस पल, किस क्षण मरोगे, उसने लिखकर भेजा है। इसलिए हर पल हर घड़ी हर क्षण खुशियां मना कर जियो, कब कौन सा आखिरी समय आ जाएगा मालूम ही नहीं पड़ेगा, सारा चार बरनी में भरा की भरा रह जाएगा, रोटी फ्रिज में डब्बे में धरी की धरी रह जाएगी, फल पूरे फ्रिज में रखे रह जाएंगे, सब पड़ा रहेगा। इसलिए रोज अच्छे से खाओ पियो और जिंदगी मस्त जियो। क्या किसको रोइए चादर तान के मस्त जियो। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे ऊपर कर्जा बहुत है, इतने कर्जे में हम कैसे अच्छे से जी सकते हैं? तो होन दो ना, कर्जा है ना, पहले तो एक निवेदन है कि कर्जा कर्जा का नाम ही है। कर्जा कब लेते हो? जब तुम दुकान डालना हो, परिवार के लिए कुछ करना हो, किसी के लिए कुछ करना हो, प्रॉपर्टी लेना, कर्जा कर्जा कर्जा, परिवार के लिए कर कर के जा, उसी का नाम जम के बोलो जरा कर्जा, उसी का नाम है तो कर्जा, कर करके मर कर आकर में चले गए, ना सही से खा सके ना रह सके, कर्जा हो भी गया तो भोलेनाथ जी पर छोड़ दो, शिव जी पे छोड़ो और प्रसन्न रहकर अपने जीवन को जियो, होगा देखा जाएगा, चुका देंगे, समय आएगा तब चुक जाएगा। महाराज उसके देवी से सारे जग का रखवाला मेरा भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरा।
भोले कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। जग का सहारा है मेरा भोले बाबा, जग का सहारा है। बाहर वाले भी खंडालों में भोले बाबा, पूरे खंडाले तेरा ही सहारा है मेरा भोले बाबा। अरे कब से खड़े झोली पसार, क्यों ना सुने तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तुम मेरी पुकार। सहारा मेरे भोले बाबा, मेरा ही सहारा है मेरा भोले बाबा। तू जग का रखवाला है मेरे भोले बाबा, जग का रखवाला है मेरे भोले बाबा। बस तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। ओ तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मेरे बोले। अपने स्थान पर बैठकर हृदय से दिल से भगवान शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे। भाव से भगवान को कहें, भाव से निवेदन करें भगवान और अपने हृदय की बात देवाधिदेव महादेव से कहें। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय भोला। सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। शिव शंकर जपो तेरे माला, भोले बाबा जपो तेरे माला। सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। सुधा ने अपनी बेटियों को समझाया। बेटियां मृत्यु लोक में जन्म ली, मैना जिनकी गोद में माता पार्वती जी आई, धन्या सुनैना जी बनी जिनकी गोद में सीता जी आई, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी। ये तीन देवियां तीन की गोद में। एक बात ध्यान लगाकर स्मरण करिएगा, जब भी भगवान शंकर को जल चढ़ाओ, जल चढ़ाते समय ये शिवलिंग, ये पीठिका पार्वती जी का हस्त कमल, ये शिवलिंग शंकर भगवान, ये जलाधारी राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिक, बीच में अशोक सुंदर, ऊपर से जो जल गिर रहा है एक एक बूंद कर कर शिव जी की पांच लड़कियां जया विश्वहरा सामलीबारी दौतली देव। ये जो शिवलिंग रखा है ये गोल पीठिका जो है ये पार्वती जी का हस्त कमल। जिन बेटियों के विवाह में या बेटों के विवाह में देरी होती हो और संबंध नहीं जमता,
अपने पितरों का स्मरण करता था। सोमवार की सोमवार शिवलिंग पे जल चढ़ाने से पहले पीठिका पर 7 बार जल घुमाने के बाद शिवलिंग पर अगर चढ़ाया जाए तो उस बेटा बेटी का संबंध 3-4 महीने में बाबा की कृपा से जम ही जाता है। पीठिका क्यों? क्योंकि पितरों की बेटी मैना और मैना के घर में जो पार्वती मैया का प्रागट्य हुआ है, मैनावती पार्वती मैया को जो प्रगट करी है, जन्म दी है, तो स्वधा ने ये वर प्रदान करा था तीनों देवियों को। तीनों देवी एक बात अच्छे से समझ लीजिए, सनकादि ऋषि ने तो श्राप दिया, श्राप देने के बाद वर दिया कि तुम्हारे यहां 3 बेटियां जन्म लेंगी, मृत्यु लोक में तुम्हें जाना होगा। पर अपनी बेटी को विदा करने से पहले मृत्यु लोक में मैना, धन्या, कला, इन 3 बेटियों को मृत्यु लोक में भेजने से पहले इनकी माता सुधा और पितरों ने इनको आशीर्वाद प्रदान करा, इनको आशीर्वाद। महाराज वर दिया, पार्वती जी की माता मैनावती, मैनावती की माता सुधा देवी, सुधा देवी ने वर दिया, ए मैना, धन्या, कला, तुम मृत्यु लोक में जन्म जरूर लोगे, पर एक बात का स्मरण रहे, तुम्हारे गर्भ से जो 3 देवियां प्रकट होंगी उन 3 देवियों का मात्र नाम, उच्चारण, जल पितरों की तृप्ति कराएगा और जो तुम्हारे नाम का स्मरण करेगा वो भव सागर से तर जाएगा, उस भव सागर से तर। अब देखिए सुधा की लड़कियां मैना, धन्या, कला, मैना के घर में पार्वती मैया प्रगटी और पार्वती मैया ने खूब तप साधना करी, केवल पार्वती जी का ही स्मरण नहीं है यहां पर, गंगा जी का भी स्मरण, गंगा जी का भी स्मरण यहां करा गया। जितना तप माता पार्वती जी ने भगवान शंकर को पति बनाने के लिए करा था उससे दुगना तप माता गंगा ने शंकर भगवान को पति बनाने के लिए करा था, दुगना तप। और आखिरी में हुआ क्या, शंकर भगवान की जो पत्नी बनी, अर्धांगिनी बनी, वो पार्वती जी बनी। गंगा तो रो पड़ी, गंगा के नैनों से तो जल बहने लगा, रो रही है, आंसू ढाल ढाल कर रो रही है। तो शिव जी ने पूछ लिया, गंगा तू क्यों रो रही है, तेरे रोने का कारण क्या है? गंगा जी कहती हैं, आपने पार्वती को अर्धांगिनी बना लिया, मुझे नहीं बनाया। शिव जी कहते हैं, गंगा तो रोना क्यों? गंगा कहती है, मैंने पार्वती से ज्यादा तप करा, जितना तप माता पार्वती ने करा उससे दुगना तप मैंने करा, जितनी आराधना पार्वती ने करी उससे दुगनी आराधना मैंने करी, जितनी साधना पार्वती ने करी उससे दुगनी साधना मैंने करी, फिर मुझे धर्मपत्नी क्यों नहीं बनी? परसों की कथा में कहा था, भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा चुन कर रखा होगा, इसलिए रोना मत ही, अगर कुछ हाथ से चला भी गया तो कुछ अच्छा मिलने वाला होगा, इसलिए भगवान ने वो नहीं, भगवान ने नहीं। अभी भी यदि दुख आ भी जाए ना तो भगवान पर कभी दोष मत मढ़ना, अगर तकलीफ आ भी जाए तो भगवान पर कभी दोष नहीं मढ़ना कि भगवान तुमने ऐसा, नहीं नहीं नहीं, ये तो कर्मों का खेल है, भगवान ने कुछ अच्छा सोचा होगा तो अच्छा मिलेगा, ये निश्चित है। शिव जी ने कहा, गंगा तुम क्या चाहती हो? गंगा कहती है, अब आप तो पार्वती के पति हो गए, अब मैं चाहूंगी तो क्या चाहूं? आप पार्वती के पति हो गए, मेरे को चाहना क्या? फिर भी गंगा क्या चाहती है? गंगा कहती है, आपका और मेरा नाम जुड़ जाए
ऐसा कुछ भर दे दो। शिवजी ने कहा गंगा में तुझे भर देता हूँ, जो भी गंगा की डुबकी लगाएगा वो तेरा और मेरा नाम साथ में लेगा, हर हर गंगे बोलेगा और उसको आनंद की अनुभूति। हर हर गंगा ने दूसरा वर मांगा, अगर किसी व्यक्ति की अस्थियां मेरे जल में आकर डाली जाए, जितने दिन तक गंगा के जल में किसी व्यक्ति की अस्थियां पड़ी रहेगी उतने दिन तक उसको बैकुंठ का सिंहासन पर बिठाया जाए। ये वर दे दीजिए, ये वर दो। इसीलिए कहते हैं ये भारत की भूमि है। अमेरिका में कोई मरता है तो उसको डेथ कहते हैं, ये मर गया, डेड बॉडी, डेड एक्सपायर हो गए। पर भारत में अगर कहीं का बेवड़ा भी मरता है ना तो उसके नाम के आगे भी लिखा रहता है स्वर्गवासी। अब बताओ इतना बड़ा बेवड़ा था, दिन भर पी के पड़ा रहता था, इतना बड़ा पापी, इतना गंदा काम करने वाला, इतना गंदा काम करने वाला भी मरता है तो भारत की भूमि पर उसके नाम के आगे एक्सपायर नहीं लिखा होता, क्या लिखा होता है? स्वर्गवासी। क्यों? क्योंकि ये भारत की भूमि केवल पूरे एशिया में एक ही भूमि ऐसी है भारत की जहां पर पाप करने वाला मरता है तो भी उसको स्वर्ग मिलता है, इसलिए इसका नाम मरने पर लिखा जाता है स्वर्गवासी, एक्सपायर नहीं, डेथ नहीं। कितना भी पाप करने वाला है तो भी वो स्वर्गवासी लिखाया, तो भी वो वैकुंठ अधिपति के पद पर बैठने वाला लिखाया। इसीलिए कहते हैं चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा पहचान। ये भूमि की प्रबलता, ये भूमि का प्रताप है, भूमि का प्रताप। भगवान से प्रार्थना करा करो, कभी कभी शिवजी से कहते रहा करो, अगला जन्म देना तो भारत की भूमि पर देना, और भारत की भूमि पर जन्म देना तो किसी सनातनी के घर में पैदा करना, सनातनी के घर में पैदा करना तो उसके घर में पैदा करना जिसके घर में एक लोटा जल शिवजी को चढ़ाया जाता हो, वहां जहां शिव की आराधना होती है, शंकर का गुणगान, शंकर का स्मरण, शंकर की भक्ति, क्योंकि ये बार बार जन्म नहीं देती, शंकर की भक्ति एक बार शिव की आराधना करी फिर अगला जन्म नहीं है, अगला जन्म सीधे मोक्ष, सीधे मोक्ष। मुक्ति और मोक्ष में अंतर है, मुक्ति का मतलब होता है एक योनि से छूटे दूसरे में पहुंच गए, दूसरे योनि से छूटे तीसरे में पहुंच गए, तीसरे से छूटे चौथे में पहुंच गए, और मोक्ष का मतलब एक जन्म लिया भजन कर कर निकल गए, उसके बाद कोई जन्म कोई जन्म। सारे जन्म छूट कर महाराज शिव कथा कह रहा, शंकर का गुणगान कर रहा है। गंगा ने वर मांगा कि जितने दिन तक मेरे जल में अस्थियां पड़ी रहेगी उतने दिन तक वो जीवात्मा बैकुंठ में पड़ी रहेगी, वर दे दिया। फिर गंगा ने कहा मुझे वर दो कि अगर पार्वती के यहां संतान हो तो मेरे यहां भी संतान हो। गंगा तेरा और मेरा विवाह नहीं हुआ है तो तेरे यहां संतान कैसे होगी? गंगा जी कहती है आप शिव हो, जो दुनिया का कोई नहीं कर सकता वो मेरा कंकर और शंकर महादेव कर सकता है, आप कर सकते हैं, जो कोई नहीं करेगा वो आप करो। शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव, आप हृदय से कहेंगे। हम कई बार कहते हैं कुबेरेश्वर धाम की धरा कभी सीहोर का कुबेरेश्वर धाम कभी आए तो वहां कंकर शंकर है, वहां तो कंकर की पूजन होती है, कंकर का पूजन कर लिया, शंकर का पूजन कर लिया और दिल से कह दिया वो दिल से सुन लेता, चित्त वृत्ति से मन से शिव की आराधना। गंगा जी ने कहा मेरे यहां संतान प्राप्त हो ऐसी कृपा करिए, शिव जी ने वर दिया गंगा मेरी 11 संतान
तेरे जल से प्रकट कर। शंकर भगवान की पांच लड़कियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, दोतली, देव, ये पांच बेटियां शंकर भगवान की गंगा के जल से प्रकट हुई और षडानंद कार्तिक के छह रूप में गंगा के जल से प्रकट। शिव कथा का भगवान शंकर का संवाद। पार्वती जी ने तप साधना कर शिव को प्राप्त करा। एक बात और स्मरण में रहे महाराज, बारह महीने शिवरात्रि आती है। बहुत साधुवाद कि श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि में तर्पण शिव महापुराण की कथा सुनकर अपने पूर्वजों को पार लगा। ये श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि और आपको ही नहीं सभी दानदाता बहुत बहुत धन्यवाद। शिव तत्व को जान जाए शंकर। पार्वती जी ने शिव को प्राप्त किया। समय आया, सदानंद कार्तिकेय का जन्म हुआ। जन्म होकर कार्तिकेय बाबा ने तारकासुर का संहार किया। तारकासुर के तीन पुत्र तारकाक्ष, विदुनमाली, कमलाक्ष थी। इन तीनों को मारने के लिए भगवान शंकर ने पशुपति नाथ का रूप धारण, एक बड़े नंदी का रूप, बहुत बड़े नंदी का रूप, और 33 कोटि देवताओं को पशु बनाया। इनको भगाते हुए भगवान प्रवेश करते हैं और तारकाक्ष, विदुनमाली और कमलाक्ष की का संहार कर देते हैं। इनको मारा, शिव जी का धड़ शीश कटा जो नेपाल में जाकर गिरा और धड़ भगवान शंकर का केदार में जाकर गिरा, जहां पर भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए और जहां शीश गिरा वहां पशुपति नाथ के रूप में विराजमान। ध्यान रखिएगा, जिन्होंने सात दिन की कथा नहीं सुनी हो तो कल की कथा भले 10 मिनट की सुनना, पितरों को तृप्त करने के लिए कल पितृ मोक्ष अमावस्या की कथा को थोड़ा सा अवश्य श्रवण करना। चावल का दाना या बेलपत्र अपने पूर्वजों के नाम से शिव को समर्पित या नदी में विसर्जित अवश्य करिएगा। एक घी का दिया लंबी बाती का, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं या घर में मटका, परिंडा, हंडा जो भी हो वहां अवश्य लगाइएगा। स्मरण करिएगा, भाव और भक्ति के साथ भगवान शिव तारकाक्ष, विदुनमाली, कमलाक्ष की को मारकर भगवान शंकर पशुपतिनाथ बनकर विराजमान हुए। और भगवान शिव जब पशुपतिनाथ बनकर विराजित हुए, चारों तरफ आनंद समाहित हो गए। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छंडी ना मैं कठी आवागी, भोले मैं तेरी पतन शंभो में। भगवान शिव आनंद के साथ विराजमान हुए। माता पार्वती के कहने पर भगवान गणेश जी का मंगल विवाह पक्का हुआ। ध्यान रखें, कल की कथा भले 10 मिनट सुने पर मोबाइल पर या टीवी पर अवश्य श्रवण करें और अपने पुत्रों का तर्पण के भाव से एक दिया नदी, तालाब, गावड़ी, कुएं पर अवश्य। भगवान गणेश जी महाराज का मंगल विवाह हो रहा है।